परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सॉन्ग था आई गेस इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल आई थिंक एवरीबडी हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड दे ऑल आई थिंक रियली अप्रिशिएटेड द वीडियो बिकॉज हमने यू नो कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी तो इट्स बीन ब्रिलियंट सो फार बट ये काफ़ी डिफरेंट जॉनर मुझे लगा एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी डिफरेंट थी अब तक व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पॉन्स हम लोग के अभी रेगुलर सॉन्ग्स जो आ रहे हैं वो पूरे रोमांटिक आ रहे हैं पूरे रोमांस गाने आ रहे हैं पूरे अभी थोड़े से हटके हमने किए तो नीबू एंड गोल्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें आपने देखे लास्ट में एकदम मतलब इन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग की इनने डिफरेंट सॉन्ग गोल्डी मैं आपकी सॉन्ग की बात करूं तो बहुत ही कमाल का सॉन्ग मुझे लगा शुक्रिया बहुत पसंद आया शुक्रिया मैं बात करूं तो आप कंपोजर भी हो लिरिक्स भी आप ही का है सिंगर भी आप और कमाल की एक्टिंग की है आप अरे शुक्रिया बहुत प्यारा लगा शुक्रिया किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका एक्चुअली ये बिट चैलेंजिंग था मेरे लिए मतलब एज यू नो आई एम नॉट एन एक्टर आई एम अ सिंगर मैं फोकस करता हूँ टू मेक न्यू सॉन्ग्स फॉर माई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बट वन डे सडनली रामजी भाई मैसेज मी के गोल्डी चेक द स्क्रिप्ट तो मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट होगा कोई नॉर्मल रोमांटिक वीडियो होगा एंड थोड़ा रोना धोना तो ज़रूर होगा क्योंकि मैं रोया करता था ऐसा मैंने लिखा है सो बट यू नो रामजी गुलाटी एंड इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड यूनाइटेड वाइट फ्लैग टीम तो द मोमेंट आई रेड द स्क्रिप्ट आई वॉज लाइक यस बॉम्ब फेंका है हाँ जी तो यही स्टोरी इन्होंने ही लिखा है जो यूनाइटेड वाइट फ्लैग की टीम है ये टीम के तरफ से ही हुआ है सर बात करें यूनाइटेड वाइट फ्लैग की तो ये जो आपका लेवल है इसके अंदर आने वाले समय में और किस टाइप का देखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें जो है और आने यूनाइटेड वाइट फ्लैग में अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी मैं सरप्राइज फोड़ना नहीं चाहूँगा एक्चुअली कि आगे बहुत ही दिग्गजों के साथ काम कर रहे हैं रामजी सर एंड जितिन सर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आप लोगों को हमारे जो आपका ये लेवल है ये जो इंडस्ट्री के बड़े लेवल्स हैं उनके सामने खड़ा हो पाएगा और एक अपनी खुद का नाम जो कि डेलीगेटी सीरीज हो गया और बाकी के टिप्स म्यूजिक है ये सिंगल हेडेडली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी लीड कर रहे हैं सो डू यू हैव अ मोटिव समवेयर टू मेक इट द सिंगल लीडिंग इन द इंडस्ट्री 100% 100% आई बिलीव दैट वी हैव अमेजिंग आर्टिस्ट विद अस जैसे कि जितिन सर ने चुन चुन के आर्टिस्ट को चुना है जैसे कि उनमें से मैं भी एक हूँ राइट ऐसा है तो 100% टॉप कंपनियों को टक्कर तो 100% देंगे सर क्या बोलते हो आप देखिए कॉम्पिटिशन तो नहीं कर रहे हम वी आर डूइंग आवर बेस्ट एग्जैक्टली वी आर डूइंग आवर बेस्ट जितिन सर कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन दैट सॉरी कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन दैट जो उन्होंने पूछा हाँ नहीं आपने पूछा कि आप बाकी लोगों के साथ में कम उस लेवल पर आ सकेंगे क्या लेकिन दैट इज़ अप टू पब्लिक हम लोगों को कितना लाइक मिलता है हम लोग को कितना प्यार करते हैं पब्लिक उनका जैसे डिमांड होता है वैसे हम लोग सॉन्ग्स बना रहे हैं
हमारे चैनल को लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, दुबई से कॉल आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से कॉल आ रहे हैं कि आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे बन रहे हैं और बनाते रहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने अपने वीडियो बनाते रहते हैं हम लोग। सॉन्ग की बात करूं, दो स्केच बने थे, एक आपकी भी स्केच अमेजिंग लग रही है। कौन सी वाली? डेविल वाली। मैं वही सवाल कौन सी आपको सबसे वाली? यार ये भी कोई सवाल है। आई थिंक डेविल वाली अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी यूनिक थी और थोड़ी फनी थी, थोड़ा एक फन एलिमेंट उसने ऐड किया था सॉन्ग में। एंड ऑब्वियसली सेकंड वाली तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक थी एंड बहुत ही मेहनत से बनाई हुई थी। नहीं नहीं, एक्चुअली हमने उस पर रीवर्क किया था क्योंकि उतना टाइम नहीं था शूट के दौरान के रियल में बना, मैं बनाता हूँ रियल में, मैं वैसे थोड़ी ना दिखता हूँ, बट रियल में वैसे भी दिखती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। केमिस्ट्री इज़ आल्सो लुकिंग वेरी गुड, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। कोई कुछ आप बताना चाहोगे ड्यूरिंग द शूट शूट की तरह एक्चुअली लगा नहीं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। एंड आई थिंक गोल्डी इवन एज अ को-स्टार वाज वेरी सपोर्टिव, मतलब यू नो व्हेन योर को-स्टार नोज हिज जॉब और एग्जैक्टली लाइक व्हेन देयर ऑन द सेम पेज एज यू ना, तो काफ़ी ईजी हो जाता है टू परफॉर्म एंड टू एक्चुअली यू नो बी ऑन सेट। तो वही हुआ एंड इट वॉज अ वेरी लवली एंड लाइक प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मतलब सेम मेरी भी फीलिंग सेम है। मैं बात करूं सॉन्ग का जो टाइटल है, मैं खुश हूं। और मैं बात करूं सॉन्ग का टाइटल जो है, मैं बहुत खुश हूं। मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट का क्रेडिट पूरा जाता है यूनाइटेड वाइट फ्लैग टीम को, क्योंकि हम तो मैंने तो सिर्फ गाना बनाया है। मैंने ये सोच के बनाया था कि एक प्यारा सा सैड सॉन्ग होगा जो सुनने में भी बहुत मेलोडियस लगेगा, बट कॉन्सेप्ट पूरा डिज़ाइन किया यूनाइटेड वाइट फ्लैग में एंड हैट्स ऑफ टू रामजी भाई एंड हिज एक्सीलेंट टीम। सो यही है सर, आप क्या कहना चाहेंगे कॉन्सेप्ट को लेके एंड स्पेशली टाइटल को लेके? फर्स्ट चॉइस था टाइटल या फिर देयर वाज अदर टाइटल चॉइस? इन फर्स्ट चॉइस ही था ये एंड इसके कास्ट में भी हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए, फिर बोले कि गोल्डी कर पाएंगा नहीं कर पाएगा, पता नहीं था गोल्डी इतने एक्टिंग करता है करके। गोल्डी ने भी बहुत एक्टिंग किया एंड में निवेदिता ने भी बहुत जो ट्विस्ट दिया वो भी कमाल का था। स्पेशली जो किरदार था, जो हटके किरदार था, हाँ जी, वो काफी अच्छा लग रहा है। अभी भी प्ले हो रहा था, पीछे देख रहा था, उसके बारे में किस तरह की प्रिपरेशन थी उस स्पेशली उस किरदार को लेकर? प्रिपरेशन मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये आने वाला है मेरे पास, क्योंकि रामजी भाई ने बॉम्ब फेंका मुझ पर कि ये करना है। तो आई वॉज लाइक, बट वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत खुश था उस चीज़ के लिए। आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन दैट मैसेज एंड इट वॉज लाइक आई वॉज अबाउट टू लाइक यू नो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस थिंग टू डू। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके मैंने सोचा कि नहीं करना है, मैं ना नहीं बोलूँगा। और रामजी भाई को बोला कि मैं कर सकता हूँ करके। एंड आपसे मेरा सवाल रहेगा, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग है आपकी सोशल मीडिया की गेम, काफ़ी अमेजिंग मुझे लगती है। रिस्पॉन्स काफ़ी, कोई भी तस्वीर पर आपके अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, बट मैं गाने को लेके जब फर्स्ट लुक आपने रिवील किया था तो क्या कुछ रिस्पॉन्स था एंड अब किस तरह का रिस्पॉन्स है लास्ट 24 घंटे में? यार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया पर। टचवुड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, यू नो फैन से, जो मुझे जानने वाले भी मेरे दोस्त है, यू नो को वर्कर्स है, को एक्टर्स है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इनफैक्ट यू नो लोगों ने मुझे खुद से सामने से मैसेज करके बोला है कि प्लीज़ आप ये लिंक शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका वीडियो लग रहा है, बहुत ही कुछ डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था तो यू नो एज एन एक्टर भी बहुत लोगों को यू नो एक न्यू शेड देखने को मिला, थोड़ा परफॉर्मेंस और यू नो टैलेंट पे काम करने का मौका मिला मुझे। सो इट्स बीन वेरी वेरी वंडरफुल सोशल मीडिया पे। सर आपसे जानना चाहूँगा, हु डज द कास्टिंग पार्ट कोई भी गाने को लेके? कास्टिंग पार्ट हम लोग मिलके ही करते हैं, रामजी मैं राजेश जी करके, हम तीनों मिलके करते हैं। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया बेसिकली? नहीं, वी लिसन टू द सॉन्ग फर्स्ट एंड उसके हिसाब से जो सूट होता है सॉन्ग के ऊपर वैसे उसके हिसाब से कास्टिंग करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस कास्टिंग, तो ये कैसी कास्टिंग थी? I guess this is the first time they are pairing together for yeah they are for right.